कागज तो पाकिस्तान में पहली बार एक नौजवान ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है जिसको मटका फ्राइज के नाम से बोला जाता है। और ये बंस रोड पे जैसे ही आप एंटर हो गए तो ये उसके साथ साथ ही ये मेरे पीछे अल्लाह तवक्कल मटका फ्राइज का शॉप है, इसका हट है। मटका चाय तो आपने सुनी होगी, अब पाकिस्तान में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है मटका फ्राइज, और ये यहाँ पे बंस रोड में, खास करके बंस रोड में ये इंट्रोड्यूस हुआ है। और पूरे पाकिस्तान में अगर शायद मेरे हिसाब से ये एशिया में किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, ये पहली बार पाकिस्तान में और कराची में ये मटका फ्राइज इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये अल्लाह वाला उमर तुर्किश उमर नाम है भाई का, उसने इंट्रोड्यूस करवाया है। अगर आपको यहाँ पे आना है और मटका फ्राइज खाना है तो आपको एक घंटा लग जाएगा, आपको सब्र करना पड़ेगा क्योंकि इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत बड़ा है, तो आपको टाइम लग जाएगा इसको फिल करना, ये सारी चीज़ें डालना, और उसके बाद इसको 15 से 20 मिनट ओवन में लग जाते हैं। तो जब भी आप आओ तो आपको बारी लेने के लिए एक घंटा तकरीबन इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये पहली बार पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है मटका फ्राइज, तो आइए इसको ट्राई करते हैं, चेक करते हैं कैसा है और आपको बताते हैं कि ये कैसा है। आप बताएं कि कब से स्टार्ट किया हुआ है और ये आइडिया कहाँ से लिया था आपने? ये 1 मंथ हो गया सर, और ये आइडिया अल्लाह पाक ने खुद ही जहन में डाला हो। कितने किस्म के फ्लेवर बनाते हैं अभी? तो हमारे 11 फ्लेवर हैं, इंशाल्लाह उसको और आगे तक की सोच है कि आगे और ज़्यादा देंगे, 32 तक का विजन है ये फ्लेवर देने हैं। सही है माशाल्लाह। और आप क्या करते हैं इसके अलावा? इसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइनर भाई है, तो उनसे कुछ सीखता हूँ और मॉर्निंग में वहाँ जाता हूँ और फिर इवनिंग में यहाँ जाता हूँ। क्या प्राइस क्या है आपकी? 300 की चिकन तंदूरी स्पेशल जो हमने लॉन्च किया, 200 की पिज़्ज़ा प्राइस है, 150 की चीज़ी है, और 100 रुपये की स्पेशल हमारे जो फ्लेवर जाते हैं उसमें चीज़ डेल चिकन नहीं जाएगी। तो पिज़्ज़ा वाला भी है आपके पास? जी पिज़्ज़ा वाला, तंदूरी भी है? तंदूरी भी है। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत। हाँ हाँ, ये बेचारे का दुआ तो दे यार। उसको डालने तो दोनों अपने, ये अब रेडी हो गया फाइनली। हाँ हाँ, हाँ भैया, तो अभी फाइनली हमें ये चीज़ी मटका फ्राइज मिला है, इसमें आप भी देख रहे हो इसका लेयर कितना बहुत खूबसूरत है, और ये पहली बार पाकिस्तान में मैंने बताया कि इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें चीज़ है और फ्राइज है। इसको फ्राइज को पकाने के बाद ये चीज़ डाल के, मसाले डाल के, और इसको ओवन में रखते हैं, और ये आप देख सकते हो उसके लेयर कैसे आ रहे हैं चीज़ के, बहुत खूबसूरत। तो आइए इसको ट्राई करते हैं और बताते हैं आपको। फर्स्ट टाइम नया फ्लेवर, नया जायका, और ये पाकिस्तान में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है चीज़ के साथ, मटका चीज़। यहाँ पे इनके और भी 3-4 फ्लेवर हैं, पिज़्ज़ा भी है और तंदूरी भी है, तो हमने चीज़ ही मंगवाया है, और इस पर इतना हमने ज़्यादा चीज़ नहीं करवाई है। बहुत टेस्टी है, मज़ेदार है, और जब भी आप आएँ यहाँ पे तो इसको ज़रूर ट्राई करें मटका फ्राइज को। मटका मीठा पूरी वाला नौमान भाई साहब, क्या बात है भाई, इसको भी ट्राई करते हैं यार, एक बना लो हमारे लिए भी कोई चालीस। मीठा डालना है ना, खट्टे मीठा बनाऊ ना भाई। यार मैं हमारे मीठा बनाऊ, एक और है मेरी। ये खट्टी चटनी है, ये मीठी है, खट्टा और स्पाइसी हमारा पानी होता है, खट्टा और स्पाइसी पानी होता है आपका, वो उस तरफ भरा हुआ है? जी वो भर रहा। ये देखिए, हाँ भैया, ये नौमान के खट्टे मीठे गोलगप्पे जो हम ट्राई कर रहे हैं, बंस रोड के मशहूर नौमान भाई, ये उसके गोलगप्पे हैं, तो जब भी आप आएँ तो इसका भी ज़रूर ट्राई करें। बेहतरीन, टेस्टी, क्या बात है। Thank you.
ये है नदीम भाई के नाम से। नदीम भाई के नाम से? नदीम भाई, नदीम भाई के। कब से है ये आपका शॉप? ये भाई बहुत पुराना, मेरे को तो 8 साल हो गए। वैसे ये 40-45 साल से लगा हुआ। कितने का ये गिलास? 50 रुपए का। आपको कौन सा पीना? बस कोई भी जो आपका स्पेशल हो। बाजी आपका यही के? मसाले वाला पीना प्रेफर करेंगे या मसाले के बगैर वाला? जो स्पेशल हो आपका। ये कॉकटेल बना रहा है स्पेशल हमारे यूट्यूबर भाइयों के लिए, और इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री है। ये बोतल वाले सोडे में नहीं बनाऊंगा, अपने सोडे में बनाऊंगा। नदीम भाई ने हमारे लिए स्पेशल कॉकटेल लिमका बनाया बोतल के अलावा, और अब उसको ट्राई करते हैं। अगर आप बंस रोड पे आए हो तो ये यहाँ पे बाबू भाई के सामने ये नदीम भाई का शॉप है, और आप यहाँ पे कॉकटेल फ्लेवर पी सकते हो नदीम भाई का। तो अब हम ट्राई करते हैं, इन्होंने कोई स्पेशल हमारे लिए ही बनाया है बोतल के अलावा। जुगलाल सर, वाह यार, कसम से बहुत मजे की चीज़ बनाई है। थैंक यू नदीम भाई। मेरा नाम नदीम भाई नहीं है, बस जो चीज़ है ना वो नदीम भाई का। यार नदीम भाई के नाम से ही होगा ना यार। ये लास्ट टाइम हमने भी पिया था, उससे बहुत टेस्टी, बेहतरीन, ज़बरदस्त। मैंने आज तक नहीं पिया ये। कितने का है? खाना खाने आए हो? जी। ये आपका दोस्त है? जी। ओ जबरदस्त। तो मैंने किताबें खरीदी। आपने किताबें खरीदी? हाँ गाइस, तो ये आज हमारा फूड स्ट्रीट और फूड ब्लॉग था जो हमने बंस रोड पे किया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, नई लोकेशन, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू।